एंड ये, और हाँ मेरे बेटे से रहा नहीं जा रहा अब, क्योंकि लेना है उसको, क्योंकि उसका ही हाँ ये मेरा जो कि सबसे फेवरेट है बेंगल टाइगर की ड्रेस, जो कि स्वेटर में ही है, देख सकते हैं। एंड जब मेरी बेटी पहनेगी ना इसे, तब एकदम से बेंगल टाइगर टाइगर लगेगी। और हाँ हाँ वो करती भी है, पहन लेती कुछ, मतलब गुस्सा दिखाने बोलते तो हूँ करती है। जो ये पहनेगी है ना, वो हूँ करेगी तो लगेगी एकदम से शेरनी। तो इसका ये है पैंट, एंड ये है उसका जैकेट। ये भी काफी खूबसूरत लगेगा देखने में जब वो पहनेगी। और ये भी एक स्वेटर है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम से सॉफ्ट है ये वाला कपड़ा। एंड पहनेगी ना वो काफी ज्यादा गर्म लगे फील होगा उसको, मुझे तो लग रहा है काफी ज्यादा सॉफ्ट है एंड गर्माहट देगा। इसका पैंट है, एंड ये इसका स्वेटर है जो कि ऊपर का जैकेट बोल सकते हैं, जिसमें कि बटन दिया गया है। बटन तो एकदम से वेस्ट होता बच्चे लोग के लिए, एकदम बटन एकदम से लगाने में भी, ओपन करने में भी, एंड निकलने के भी डर नहीं रहता। जैसे जिप वगैरह निकल जाता है, इसमें निकलने के एकदम से डर नहीं रहता है। एंड इसके साथ दो सॉक्स भी था, जो कि ये वाला सॉक्स तो मैं निकाल के दिखाती हूँ जो सेट में है। एंड काफी क्यूट लगते हैं ना बच्चे लोग का सॉक्स, एकदम छोटा छोटा सा रहते हैं तो देख सकते हैं। और जब मेरी बेटी अगला साल के हुई थी ना, तब मेरी बेटी का सॉक्स नहीं था, क्योंकि उतना छोटा छोटा सॉक्स नहीं मिला था। तो मेरी ननद ने बनाकर भेजी थी, तो वो सॉक्स उसका पूरा ठंडी दो सॉक्स भेजी थी, तो पूरा ठंडी दो सॉक्स में निकल गया उसका। एंड इस साल तो बहुत सारा सॉक्स है, वो पहन भी पाएगी। एंड छोटे छोटे सॉक्स काफी क्यूट लग रहा है, एक रेड एंड एक क्या ब्राउन कलर में है। और ये है एक नेवी ब्लू कलर में इस तरीके से, एंड इसका पैंट, एंड इसमें स्टार स्टार बना हुआ, तो काफी ये भी खूबसूरत है। तो बस इसको साइड कर लेते हैं। और ये है एक इस तरह से स्वेटर जो कि ऊन का ही है, सेम डिजाइन में आप पहले भी देखिए एक और था। एंड ये है एक मेरून कलर में, वो ब्लैक एंड क्रीम कलर में था, मेरून कलर में है। एंड उसका जो जैकेट था ना, वो रिमूव होता है, इसका जैकेट रिमूव नहीं होता है। इसमें भी एक क्लिप दिया हो गया है, एंड काफी खूबसूरत है। अंदर में प्लेन है इस तरीके से, एंड इसके साथ एक पैंट है जी। हाँ ये भी एक फ्रॉक है, स्वेटर है, जिस तरीके से पिंक एंड ब्लैक कलर में है। तो ये भी काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो ये सब कर जल्दी से कर लेते साइड, वीडियो लंबा 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 हो रहा है इस वजह से। एंड हाईनेक, दो हाईनेक लाए मैंने पहना है, जो कि बाहर में है कि ये पैंट और हाईनेक एंड पैंट। तो पैंट सब भी मैंने बाहर कर दिया, तो उस सब अभी नहीं दिखा रहा, जो कि नॉर्मल पैंट है, मेरी बेटी पहनती है घर में। और हाँ सबसे स्पेशल जो चीज मिला है ना उसको फर्स्ट बर्थडे में, जो कि एक स्लेट पेंसिल एंड उसका बुक वगैरह मिला है, जो कि देख सकते हैं स्लेट एंड ABCD और आपका बुक है, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा। एंड घर में हर किसी को अच्छा लगा, क्योंकि उसका फर्स्ट बर्थडे में उसको ये सारा सामान मिला, तो सबको देख काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हुए, जो ये उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। एंड अब आते हैं उसके खिलौना पे, खिलौना क्या क्या मिला है। जो कि सबसे पहले एक आते एक ऑरेंज कलर के कार, एंड काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ऑरेंज एंड ग्रीन में। तो मेरी बेटी इससे खेलती भी है, तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। एंड उसके बाद है एक ड्रम्स, जो कि उसके पास ऑलरेडी पहले से है, तो फिर से एक मिला, तो इसको मैंने रख दिया साइड करके, जो वो जब फट जाएगी तो इसको दूंगे, बट अभी नहीं देंगे। और हाँ एंड एक छोटा सा गन्नू महाराज, जो कि देख सकते हैं काफी क्यूट लगते देखने में। एंड ये भी सॉफ्ट टॉयज में था, तो इसको साइड करके रखे थे, इस वजह से समझ में नहीं आया था, तो उस टाइम नहीं दिखाया था, अभी दिखा रही हूँ। एंड ये खिलौना जो कि मिलाकर वो कुछ भी बना सकती है, जब बड़ी होगी ना थोड़ी सी, तब इसमें से अच्छे से खेलेगी एंड मिला मिला के सामान बना लेगी, तो उसका ब्रांड भी अच्छा से काम करेगी। तो इसको भी अभी रख देंगे साइड में, थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी तब उसको यूज करेगी। एंड इसमें भी एक खिलौना जो कि इस तरीके से है, एंड ये इस तरीके से घूमती है, आवाज करती है, नीचे रखते हैं जमीन पे तो इधर उधर भागती भी, जो कि यहाँ पे इसका चक्का लगा हुआ है तो इधर उधर भागती भी है। और हाँ इसको इस तरीके से आप टांग भी सकते हैं, अगर बेबी झूला पे है तो इसको ऐसे भी टांग सकते, तो भी देखेगी, तो दोनों तरीके से ये यूज होगा। तो अभी मेरी बेटी देखती है, क्योंकि इधर उधर ये भाग जाती है, तो बस वो देखती है। और हाँ अब आते हैं इस पे, जो कि एक झूला, जो कि जब लगा लेंगे हम लोग इसको सेट करेंगे, उसके उस टाइम आप लोग को दिखेगा, तो कब कोई भी ब्लॉग में आप लोग को देखने मिल जाएगा, जब इसको हैंग करेंगे एंड इसको झुलाएंगे तब।
और हाँ एक मिला है हॉर्स जो कि कुछ इस तरीके से है, इस पे बैठ के इधर उधर चल जा भी सकेगी और इस पर झूल भी सकेगी। और अभी मेरी बेटी छोटी है तो इस पर अभी डर रही है, इस पर बैठती नहीं, डरती है, तो इसको हम लोग करके रखे साइड। जब वो थोड़ा सा बैठने सीख जाएगी, बैलेंस करना सीख जाएगी तब तो इस पर बैठाएंगे, पर अभी डरती है वैसे नहीं बैठाते इसको, तो इसको भी अभी करके रख देते साइड। और है एक लास्ट सामान जो कि ये इस तरीके से रैप किया हुआ है, जो कि मेरे भैया लेके आए थे भी, और इस पे सारा हेयर बैंड एंड ड्रेस शू जूता है सब उसे सेट है। तो इसको ओपन नहीं किए थे क्योंकि आप लोगों के सामने ही मैंने सोचा इसको ओपन करूं, तो इस वजह से कुछ इस तरीके से पैकेजिंग में करके लाए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो चलिए इसको करते ओपन एंड देखते क्या क्या है, कैसा क्या है। काफ़ी सारा क्लिप वगैरह भी इसके अंदर, तो देख लीजिए सब। और ये आ गई है मेरी बेटी, देखेगी उसे सामान में क्या लाए थे मां। गाड़ी घूम घूम घूम। तो जितना भी गिफ्ट था मैंने आप लोगों को दिखाए, एंड मेरी बेटी अभी की दादी के पास अभी आई है। ये रहती तो कुछ दिखाने नहीं देती, इस वजह से इसको देख कर हम लोग गिफ्ट लेके बैठे ताकि आप लोगों को दिखा पाए अच्छे से। एंड ये, और हाँ मेरे बेटी से रहा नहीं जा रहा क्योंकि लेना है उसको, क्योंकि उसका ही सामान जो कि इस तरीके से है, देख सकते हैं। एंड काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में, और मेरी बेटी से रहा नहीं जा रहा अभी, तो अभी वो गाड़ी में बिजी हो गई है। एंड ये फ्लावर है, इसको देते हैं। बेटा बेटा पिन पिन ना, पिन से उसको हाथ में चुप सकते हैं इस वजह से, एंड हटा दिए। एंड ये है उसका एक हेडबैंड, एंड काफी खूबसूरत से क्यूट सा है। मेरी बेटी माओ माओ कर रही है, एंड काफी क्यूट लग रहा देखने में। बेटू नहीं रहेगी, पिन है पिन है। एंड एक क्लिप था जो उसको नहीं लेना देख के रख रही है, बट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक हेडबैंड है, एंड मैं इसको काफी अच्छा लग रहा है। मेरे बेटू को लगा है ये, ये एंड मेरे बेटू ये देखो बेटा देखो मामा। हाँ एंड मेरे बेटी अभी लगा के बैठेगी ना, उसे पता उसके हेड पे पूछ कि व्हाइट व्हाइट आ रहा ये। ये भी एक हेडबैंड है, ये भी काफी खूबसूरत, जो कि यहाँ पे एक बड़ा सा फ्लावर बना हुआ है। एंड ये प्लास्टिक का है जो कि मेरे बेटे के हाथ में एकदम से नहीं देंगे, वरना इसे खींचेगी टूट जाएगी, तो इसको कर लेते साइड। एंड इस तरीके से फ्लावर बना हुआ है इसमें, एंड ये जो है लाइट पर्पल में है, तो काफी खूबसूरत लग रहा है ये भी। एंड वो देखिए वो पहन रही है, बट पहन नहीं सकती है खुद से अभी, बट कोशिश कर रही है पहनने के लिए। एंड एक है इस तरीके के हेडबैंड जो कि यहाँ पे दो बना हुआ है, एंड पिंक कलर का इसका बैंड है, रबर बैंड जो इलास्टिक है पिंक कलर में है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं पीच कलर का ये वो बना हुआ है। एंड इसमें काफी सारा क्लिप था जो कि एक इस तरीके से है फोकस, हम वहाँ पे फोकस कर रहे। और एक एंड एक इस तरीके से गुड़िया बना हुआ है, देखिए इस तरीके से इस तरीके से क्लिप बना हुआ है, सॉरी क्लिप है बना हुआ नहीं, एक इस तरीके से क्लिप है। एंड ये काफी अच्छा लग रहा है, ये क्लिप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। तो चार क्लिप था इसके साथ, तो टोटल चार क्लिप है इसमें, तो काफी अच्छा लग रहा है। तीन हैंडबैंड था, चार क्लिप, और इसके साथ ड्रेस जो कि है कुछ इस तरीके से, ओ सॉरी एक और क्लिप है जो कि इस तरीके से है, फोकस हाँ, जो कि इस तरीके से क्लिप है। ये भी काफी खूबसूरत लग रहा देखने में, रेड कलर में है स्ट्रॉबेरी, एंड स्ट्रॉबेरी के ऊपर मेरी बेटी बैठी हुई है, उसको साइड कर रहे हैं, सॉरी यूनिकॉर्न था। एंड एक इस तरीके से एक टॉप है जो कि पीच कलर में, तो काफी खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। एंड स्कर्ट पहनी हुई है जो कि देख सकते हैं काफी खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। एंड इसके साथ एक मैरून कलर का पैंट है, कुछ इस तरीके से पैंट है। एंड ये है इसका ऊपर टॉप्स, तो काफी खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। एंड इसके साथ है एक जूती जो कि ये भी है पीच कलर में, तो ये भी काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में, ये भी काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में, जो कि ड्रेस के साथ मैच करता हुआ कलर है। और
और एक और क्लिप है जो कि इस तरीके से अम्ब्रेला बना हुआ है। तो काफी सारा क्लिप है, 5-6 क्लिप है, काफी सारा क्लिप है उसका। तो बहुत सारा क्लिप हो चुका है उसका। एंड ड्रेस एंड जूता, हाँ जूता जो है ना सबसे ज्यादा क्यूट लगा मुझे, क्योंकि बच्चे लोग का जूता ना बहुत क्यूट लगता है देखने में, छोटा सा रहता है तो ज्यादा क्यूट लगता है। इनका कलर भी बहुत ही अच्छा है। एंड ये है एक आई थिंक टॉवल हो सकता है, देखते क्या है पता नहीं चल रहा, क्योंकि इसी में रैप करके वो हेडबैंड सब था इसी वजह से। सेलो टेप लगा हुआ तो इस पर अच्छा से निकालना पड़ रहा है। और क्या है मुझे तो समझ में आ गया क्या है, अब आप लोगों को दिखाते हैं। मुझे लगा था टॉवल है बट टॉवल नहीं है, और मेरी बेटी सारा सामान को फेंक रही है क्योंकि उसको सब कुछ मिल चुका है इस वजह से। और ये एक इस तरीका से है उसका जैकेट, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा देखने में। एंड इसके ऊपर उस जैकेट पहनेगी एंड रेड कलर के पैंट, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा देखने में। एंड सारा सामान मैंने दिखा दिया इसका। एंड ये जो ट्रे था वो हो चुका है खाली, जो कि मेरी बेटी देख लिया एंड उसको फेंक दे रही है क्योंकि इसका काम नहीं है उसको इसी वजह से। तो बस आज का ब्लॉग जो मेरा था इतना ही, सिर्फ मुझे गिफ्ट दिखाना था, वरना ब्लॉग के साथ अटैच कर देना काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से इसको अलग से शेयर किया आप लोगों के साथ। और आज का ब्लॉग जो इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।